हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। देवेंद्र फडणवीस की बेटी दिविजा अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने की खबर से काफी खुश हैं। दिविजा KG-2 की छात्रा हैं। दिविजा इतनी छोटी होते हुए भी बहुत अच्छा भाषण देती हैं। इंडिया टीवी संवाददाता ने दिविजा से खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस की बिटिया दिविजा हमारे साथ है। किस क्लास में पढ़ती हो आप? KG-2। स्कूल का क्या नाम है? भवन BP बाल मंदिर। आपके पापा क्या बनने जा रहे हैं आपको पता है? हाँ। क्या बन रहे हैं? CM। अच्छा, आप मुझे पता लगा कि आप अच्छा भाषण भी देती हो। पापा की तरह कैसे बोलती है बताएं भाषण देके बताइए मुझे। कौन सा? जो आपने स्कूल में बोला था भैया। मैं सावित्रीबाई फुले आप सबको आह्वान करती हूँ, देश की हर लड़की ने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। कन्याते के खिलाफ हम सब ने आवाज उठानी चाहिए। छूता छूट की बीमारी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सुध बदलो देश बदलेगा। जय हिंद जय भारत। आपके पापा जब प्रचार में जाते थे तो भाषण भी आपको तैयार करवाया गया था, कैसे बोलते लोगों से वोट मांगने के लिए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में हाहाकार मचा रखी है। आप सब लोग BJP को वोट दीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपको स्कूल में एक बार इंदिरा गांधी का बोला गया था, इंदिरा गांधी बन के आओ, तब क्यों नहीं बनी आप? क्योंकि वो कांग्रेस की थी। तो आप किस पार्टी की हो? BJP। BJP की। अब पापा आपके लिए समय देते हैं आपको? कम देते हैं। अभी तो CM बन जाएंगे तो आपको लग रहा है कि आपको और समय मिलेगा? लग तो नहीं रहा। तो आपने पापा से कुछ कहा? नहीं। कुछ नहीं। तो पापा तो अभी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपके लिए समय कैसे निकालेंगे? बाबू के पास जाओगी ना।